दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा J&K की रोड्स की कंडीशंस क्या है, उस पर बात करेंगे, कंडीशन दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, अपने राय रखें, सजेशंस दें, कमेंट्स करें। टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके बनाने का मेरा मकसद है कि जो J&K में रोड्स हैं उसकी क्या कंडीशन है। जिस रोड पे मैं आज हूँ, ये रोड डोडा घाट को कनेक्ट करती है। एक कनेक्टिविटी है डोडा घाट, जोधपुर, भाटा, बबोर, बेलना, काशोड़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो साइड विलेजेस पड़ते हैं। विलेजेस बहुत हैं, मैं उनके नाम नहीं इतना गिनवा सकता। और जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, जहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो महज डिस्ट्रिक्ट से, हमारे सिटी हेडक्वार्टर से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा, बहुत मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर। बट आप देख सकते हैं इस रोड की कंडीशन क्या है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 3-4 किलोमीटर दूर रोड की ये कंडीशन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव-गांव में जो रोड्स बनाई गई हैं उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। आज की वीडियो बनाने का मेरा ये एम है, ये मकसद है, इस रोड को, इस रोड का जो काम है वो जल्द से जल्द किया जाए, इसको ब्लैक टॉप किया जाए, बढ़ानी है तो थोड़ी बढ़ा भी लें, इसके बीच खड्डे कितने हैं आप देख सकते हैं, गाड़ी चलते हुए दिख रही है कि कैसे वो चल रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये अपील है कि इस रोड पे जल्द से जल्द काम लगाएं और इस पे ब्लैक टॉप लगा दें, ब्लैक टॉप डाल दें। क्या ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखती? एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे ये हाल है रोड का, क्या ये चीज़ दिखती नहीं? क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज़ें नहीं दिख रही? क्या सिर्फ सरकार वोट बैंक चल रहा है? जिस टाइम सरकार बननी होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम बड़े बड़े लीडर ये दावे करते हैं हम इन रोड्स को ठीक करेंगे, हम यहाँ पे ब्लैक टॉप करवाएंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो वो काम क्यों नहीं हो रहे? एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नज़दीक की रोड का ये हाल है, तो फिर दूर कहाँ काम हो रहे हैं? ये तो वोट बैंक वाली सरकार चल रही है। मैं जब से खुद पैदा हुआ हूँ, मैं इस रोड को इसी हाल में देख रहा हूँ। मैंने कभी इस रोड को इस हाल से कभी अच्छा नहीं देखा, इतना बद्दर हाल है, इतना बद्दा हाल है इस रोड का। हर साल टेंडर्स बनते हैं, आज ही काम हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट कब होगा? जब इलेक्शन होते हैं, सब दावे करते हैं हम ये बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, इलेक्शन ख़त्म हुए, किसी पार्टी में कोई पार्टी जीत गई, उसने अपनी सरकार बना ली, बट काम रह गया, काम फिर कभी नहीं हुआ। क्या रीज़न है? क्या ये रोड नहीं बननी चाहिए? क्या आप लोगों से, मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, इस रोड का हाल दिखाएं, वो क्यों इस रोड को अनदेखा कर रहे हैं? जो एक कनेक्टिविटी है हमारे सिटी के लिए, उसका उस रोड का क्यों हाल ये बना हुआ है? क्या सरकार आंखें बंद करके है?
एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके बैठी हुई है। जो नए रोड बना रहे हैं ग्राम सड़क योजना की, कौन सी योजना होती है उसके तहत, उस उन रोड से बनाने से अच्छा ये नहीं कि हम इन रोड से ध्यान दें जो बनी हुई, उनको पहले ब्लैक टॉप कर दें, उनको अच्छे से रोड बना दें, ना कि इसका ये हाल हो। ये रोड तो जैसे वो लग रही है जैसे जिसको हम खच्चर रोड कहते हैं, जहाँ से घोड़े गधे चलते हैं। हमें ये कि पहले उन चीज़ों पे देखें, उन चीज़ों को सोचें जो बनी हुई है, उनको तो अच्छे से बना लें। अब अभी देखिए ना, जिस जगह पे हम हैं, ये सिटी से सिर्फ महज एक या डेढ़ किलोमीटर, डेढ़ भी नहीं एक किलोमीटर होगा, और वहाँ पे ये हाल है। अब देखिए कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी का हाल देखिए कैसे हिलजुल रही है, कैसे ऐसे तो लग रहा है ना गाड़ी आगे से आ रही है। देखिए मतलब गाड़ी को रुकना पड़ रहा है साइड पे, ड्राइवर को वेट करना पड़ रहा है, क्यों? रोड की खस्ता हालत देखिए, महज एक किलोमीटर दूर है सिटी से, ये हाल है, क्यों? सरकार को ये चीज़ें नहीं दिख रही? मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं, हमारी सरकार तक पहुँचाएं, ताकि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो।